अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नानीज वर्ल्ड। चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ। दो तीन मिनट सिर्फ उबालना है। नमक और वो वेनेगर डाल के हमने पाँच मिनट रखा था, उसके बाद वॉश करके इसको थोड़ा दो तीन मिनट उबालेंगे। ये हमने एक प्याज लिया है बड़ा और एक टमाटो लिया, इसको हल्का सा शैलो फ्राई किया हल्का सा। और फिर दूसरा ये है कि थोड़ी सी पाव चम्मच से कम मेथी लिया है, एक चम्मच भर के ज़ीरा और डेढ़ चम्मच धनिया की भुक्की। इसमें हमने हरी मिर्ची लिया है, हरी मिर्ची थोड़ी सी कोथमीर, तो इसको पीसेंगे प्याज के साथ और ये हम इसको भूनेंगे। इसको भून के लेते हैं जब तक। जितने हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उनका सबके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और आप लोग जितने मोहब्बत प्यार से हमारा ब्लॉग और हमारे देखते हैं यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। आपको पसंद आता है तभी हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, व्यूअर भी बढ़ते हैं, और ये अपना लाइक भी हमारे बढ़ते हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि है हमको भी हमारे यूट्यूब पे चाहने वाले बहुत बच्चे हमारे, हमारी हम उम्र, हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो छोटे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस हल्का सा भूनना है, ज़ीरा भूनना है, और ये हामी दस्ते में हमको कूटना है, इसको पीस मतलब बारीक कर लेना है। जैसे कि प्याज और टमाटर ठंडा हो जाए, और ये ज़ीरा भुने ना उसी में फिर ये डाल दें धनिया, थोड़ी सी ऐसे भुनी हुई धनिया रहती है मगर थोड़ा सा ही हो जाता है तो अच्छा रहता है, खुशबू अच्छी आती है। गैस बंद कर दें, ये देखिए ऐसा हो जाता है। देखिए कोई भी लड़की आएगी बोली रेडी मैं बना दूँ, बोले नहीं मम्मी बनाएगी, उनको हमारे हाथ का ही पसंद आता है क्योंकि उनके हिसाब से मसाले हम डालते हैं। तो अभी हमने डाल दिया मेथी, इनको हम कूट लेंगे। मेथी ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि उसका पाउडर करना है, हमें दस्ते में कूटना है, तो ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या हो जाता है मसाला कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हमने सिर्फ दो पिंच मेथी लिया, पाव चम्मच से भी कम। ये हमारा हो गया, ये देखिए कूट लिया ये हमने। अब इसको हम जब बनाएंगे मसाला भूनेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटो, तब इसको हम भूनने पर डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ है। खाना खा के थोड़ा ही बैठे नहीं हम, मुझे ये सोच रहे हैं बना दें झींगा, फ्री हो जाएं क्योंकि अभी शाम को चाय लेके जानी पड़ेगी दुकान, इसलिए अभी फ्री हो जाएंगे तो अच्छा है। और ये व्लॉग जो है कल डालेंगे, जो कल का है परसों का और कल का जो है हम तो आज अपलोड करेंगे। इसमें डाला है पाव चम्मच हींग, कड़ी पत्ता, एक चम्मच अदरक और पौना चम्मच लहसुन। थोड़ी सी हल्दी अंदाजे से, और आधा चम्मच मिर्ची भुक्की, ये स्पाइसी वाली मिर्ची है, कलर वाली नहीं है, ये डाल दिया हमने, थोड़ा सा भून लें इसको। ये अदरक लहसुन देखिए हमारा भून गया, और इसमें डालेंगे प्याज टमाटर कोथमीर और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसमें थोड़ा लगा है, थोड़ा सा पानी लेके तो थोड़ा खंगाल के फिर ये कढ़ाई में डाल लेंगे।
दिल तो नहीं हो रहा खाना खाने को, ऐसा लगता है लेट जाए। घुटनों में मेरे वापस से बहुत दर्द है, करीब 5-6 दिन से पता नहीं ज़्यादा चलना फिरना हो रहा है, इसलिए थोड़ा किडनी का भी अभी सोच रहे वापस से टेस्ट वेस्ट कराएँ। इतनी दर्द है कि मैं 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो जा रहा किचन में। लेकिन हमने सोचा कि बताना है, जो काम लिया जिम्मेदारी वाला तो पूरा ही करना है, आपको बताएंगे नहीं तो कैसे फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो झींगा दोपहर में लौकी कबाब बन गए, रात के लिए हमने दाल चावल बनना है ताज़े रात में, और दाल रोटी बन गई है। कबाब थे दोपहर में खाए गए, और रात के लिए झींगा ही हमने का बना है, तो फिर आपको बताएं हम। इसको थोड़ा मसाला भून लें। हम अपने जो झींगा मिला के जैसे ही झींगा साफ किया तो उसकी स्मेल जाने के लिए लोग जो है नींबू निचोड़ के नमक डाल के रखते हैं 5-6 मिनट। तो उसमें क्या होता है, झींगा जो है मटन उसका फट जाता है नींबू से। तो अगर आपके पास विनेगर है सिरका, तो सिरका थोड़ा डालिए और नमक 5-6 मिनट रखिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो उससे क्या झींगे का मटन फटता नहीं है, नींबू से फट जाता है। तो कभी भी आप लोग मटन कोई भी मच्छी बनाइए, फिश है, पापलेट है, या कोई भी है अपने बोनमील है, झींगा है, कोई भी मच्छी बनाइए तो उसमें विनेगर डालिए, नींबू ना डालिए, उससे मटन एकदम अजीब रफ रफ और फट जाता है। ये अभी हमारा भून के रेडी हो गया। अब डिश में इसको सर्व करके हम आपको दिखाएंगे। जीरा और ये अपना मेथी भून के को धनिया डालेंगे ना, तो फिर बहुत अच्छा से टेस्ट वाला जाता है, एकदम थोड़ा अचार का जैसा टेस्ट आता है। ये अभी तेल खत्म हो गया तो डाला है, इसमें डाल दें दही में। बहुत ही ज़बरदस्त बना है झींगा। चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।